तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परास्वः यद्भद्रं तन्यास्वः। ॐ यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवानद्वैतपरमानन्दात्मा यत्परब्रह्म भर्गवस्वः तस्मै वै नमो नमः। ओम यत्र यत्र रघुनंद कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं नौमि मारुतिं राक्षशांतकं। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान श्री राम की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याण की वृष्टि करती रहे, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। जो जिज्ञासु मुमुक्षु संसार शत्रु पर विजय प्राप्त करने की अभिप्सा लेकर धर्म रथ पर आरूढ़ होता है, उसको जीतने के लिए इस संसार में कोई शत्रु नहीं रह जाता। आत्मबल और बुद्धि बल, ये दोनों उस धर्मरथ के चक्के हैं। सत्य उसकी ध्वजा है और सब चरित्र उसकी पताका। आत्मसंयम सत असत का विवेक इंद्रियों का दमन और परोपकार में अनुरक्ति, ये चार उस रथ के घोड़े हैं जो परमार्थ की दिशा में लेकर आगे बढ़ते हैं। क्षमा और कृपा तथा समता रूपी रज्जू से ये घोड़े बंधे हुए होते हैं, यानी वह व्यक्ति क्षमावान, कृपावान और समता से युक्त होता है। ईश्वर की अनन्य भक्ति, भगवान शंकर की आराधना, उसके इस धर्मरथ का सारथी बनता है। अभिप्राय है कि ईश्वर भक्ति से जो युक्त है वही आत्मबल, विवेक, इंद्रिय संयम और परोपकार में निरत रहता है। ईश्वर भक्ति के द्वारा ही इन अश्वों का संचालन होता है। यहां तक का रूप का आप लोगों को समझाया जा चुका है। अब जिन अस्त्र शस्त्रों से इस संसार रूपी शत्रु के साथ युद्ध किया जाता है उन अस्त्र शस्त्रों का वर्णन भगवान कर रहे हैं। उसमें
युद्ध के लिए जो परम आवश्यक है वह है शत्रु के वार को सहन करना और फिर शत्रु पर वार करना। ये दो क्रियाएं युद्ध में बहुत ही कुशलता के साथ की जाती है। जो योद्धा शत्रु के वार को बचाने की पहले तरकीब नहीं सोचता वह कभी विजयी नहीं होता, और जो योद्धा शत्रु पर प्रहार करने की चाह नहीं रखता वह विजयी नहीं होता। तो शत्रु के प्रहार से अपने आप को बचाने के लिए ढाल की जरूरत होती है और शत्रु पर प्रहार करने के लिए कृपाण की जरूरत होती है, जिसे कृपाण कहते हैं। यहां तलवार नहीं कहा तुलसीदास जी ने, कृपाण कहा। तो इस संसार रूपी शत्रु से विजय प्राप्त करने के लिए जो मुख्य अस्त्र शस्त्र हैं वो क्या हैं? तो भगवान कहते हैं बीरति चरम संतोष कृपाणा, वैराग्य रूपी ढाल। यदि आप संसार से राग रहित हैं, कहीं राग नहीं आपकी, किसी में आपकी आसक्ति नहीं है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको बंधन में नहीं डाल सकती। संसार को जीतने का अभिप्राय क्या होता है? कि उसके बंधन में ना आना। तो बंधन में हेतु क्या है? राग। जहां राग है वही बंधन है, जहां राग नहीं है वहां मुक्ति है। किसी पदार्थ का होना न होना कुछ अर्थ नहीं रखता। बड़ी महत्वपूर्ण वस्तु है, बड़ी सुंदर वस्तु है, बड़ी उपयोगी वस्तु है, इससे आप बंधन में नहीं पड़ेंगे। यदि उसके प्रति आपका राग नहीं है तो, आसक्ति नहीं है तो। बंधन में कारण पदार्थ नहीं है, याद रखो मेरी बात, बंधन में कारण प्राणी पद और पदार्थ नहीं होते। बंधन में कारण होता है प्राणी पद और पदार्थ में आसक्ति, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मनुष्य शरीर में रहते हुए प्राणियों से सदा दूर रहे, पदार्थों से सदा दूर रहे और पद से सदा दूर रहे। ये तीनों से मुक्त होना या तीनों से अलग हो जाना असंभव है, असंभव। शरीरधारी के लिए, मनुष्य के लिए प्राणी पद और पदार्थ, ये तीन चीजें होती हैं। इनसे मुक्त होना यानी इनसे अलग हो जाना, इनको हमेशा के लिए त्याग देना, इनसे दूर रहना कठिन नहीं, असंभव, असंभव है। असंभव क्यों है? इसलिए कि जब तक आपको जीवित रहना है तब तक जीवित रहने के लिए भी कुछ चाहिए, कुछ चाहिए, थोड़ी मात्रा में चाहिए अन्न चाहिए, थोड़ी मात्रा में चाहिए वस्त्र चाहिए, थोड़ी मात्रा में चाहिए कुछ चाहिए आपको। और वो कुछ जो चाहिए वो कहां से आएगा? वो किसी प्राणी से आएगा और वो कुछ कोई पदार्थ होगा, कोई व्यक्ति देगा वो, और कोई पदार्थ होगा वो। बिना पदार्थ के आप जीवित नहीं रह सकते और बिना व्यक्ति के सहयोग से पदार्थ मिल नहीं सकता। तो जिसके सहयोग से आपको पदार्थ मिला वो प्राणी आपके संपर्क में आ गया, और जो पदार्थ आप सेवन किए वो पदार्थ आपके संपर्क में आ गया। तो प्राणी और पदार्थ से मुक्त तो नहीं हुए ना, अब रह गया पद।
पद माने अधिकार या संबंध। तो जो प्राणी आपकी मदद कर रहा है, जो जिस पदार्थ का आप सेवन कर रहे हैं उसके साथ आपका कोई संबंध नहीं हो, ऐसा भी नहीं हो सकता। कुछ तो संबंध बनेगा, कोई संबंध हो जाए, और कुछ नहीं, आप उसको कुछ नहीं मानते लेकिन वो आपको अपना कुछ मानेगा, तभी तो आपकी सेवा करेगा। मैंने अपने जीवन में कई ऐसे महायोगियों के दर्शन किए और उनके चरणों में बैठने का सौभाग्य मिला है। अभी पिछले साल की बात है, साल भर हुए हैं, नर्मदा नदी के किनारे पर एक शहर बसा हुआ है मध्य प्रदेश में, मांडला। उस मांडला शहर से, छोटा सा शहर है, बनवासियों का है वो, वहां से 5 मील दूर पर नर्मदा नदी के तट पर एक कुटिया है, और उस कुटिया में एक महापुरुष रहते हैं। महापुरुष रहते हैं वो, और कितने वृद्ध हैं उनके विषय में कोई कुछ नहीं जानता। मैंने बड़ी प्रार्थना से उनसे केवल इतना जानने की चेष्टा की, वो किसी से बात नहीं करते बिल्कुल, कोई भी जाओ पहले तो वहां जाने का आदेश नहीं किसी को, और यदि कोई मेहनत करके जैसा उनका नियम है उसके अनुसार व्रत करके अंदर चला भी जाए तो बोलते नहीं किसी से, वो मौन बैठे रहते हैं। मैंने बड़ी कोशिश की, मुझे बहुत प्यार दिया उन्होंने, और बड़ी कोशिश की कि आप कब से यहां रहते हैं। वहां के लोगों ने बताया कि मेरे बाप दादों ने बताया था कि हम इनको ऐसे यहां देखते हैं। 70-70, 80-80 वर्ष के लोगों ने मुझे बताया कि मेरे दादाजी कहा करते थे कि वो यहीं ऐसे रह रहे हैं। बड़ा हैरान था मैं, भाई तुम्हारे दादा कम से कम 100 वर्ष के पहले के रहे होंगे, बाप यदि नहीं 100 नहीं तो 50 वर्ष के होंगे, 80 वर्ष के तुम ही हो गए, तो बहुत आयु हो गई, तब से यहां रह रहे महापुरुष। तो मेरी जिज्ञासा थी मैं इनसे पूछूं। अंत में वो खींच करके मुझे डांटते हुए से कहा कि जिस दिन औरंगजेब मरा था उस दिन मैं पैदा हुआ था। और ये भी उन्होंने बताया कि ये यानी अंग्रेजों का सारा अत्याचार मैंने अपनी आंखों से देखा है, उनका आगमन, ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन है सारा। अच्छे विद्वान है, बोलते हैं तो संस्कृति बोलते हैं। अब जिस दिन औरंगजेब पैदा हुआ मरा था उस दिन उनका जन्म हुआ था, कितने साल के हो गए आप लोग सोचो, 200 अब 1760 से गिन लो कितना हो गया। और वो महापुरुष आराम से वहां रहते हैं, नंगे रहते हैं और सिद्ध पुरुष हैं। तो उनसे दुनिया से कुछ लेना देना नहीं किसी से, लेकिन उस स्थिति में भी एक पति पत्नी कहां के हैं, वही गांव के, श्रद्धा है उनकी, वहां रहते हैं जो उनकी संभाल करते हैं। उनसे मैंने पूछा कि भाई तुम लोग कब से इनकी सेवा में हो, तो उन्होंने कहा कि पहले मेरा बाप इनकी सेवा करता था, जब वो शरीर छोड़ दिया छाड़ने लगा तो मेरे से कहा कि बेटे मेरे जिंदगी का जो मुख्य संदेश है तेरे लिए वो है मेरे गुरु की सेवा। तब से हम लोग कर रहे हैं, बच्चेपन से इनके पास है। ठीक है, गुरु भाव मानते हैं उनको तभी सेवा करते, नहीं कौन करेगा। और जंगल में वहां न कोई वहां
मैंने कहा कि भाई इतने बड़े महापुरुष यहाँ रहते हैं, यहाँ रास्ता बना देना चाहिए था, सड़क बना देना चाहिए था, जंगल है यहाँ कोई। वो कहने लगा कि यहाँ कोई यदि आ जाए तो ये तो आपसे ऐसी मीठी बातें कर रहे हैं तो गालियां देते हैं, किसी खड़े नहीं होने देते यहाँ पर, और कोई यहाँ आ नहीं सकता। ये जो आपसे बातें कर रहे हैं ये पता नहीं। उस सेवक ने कहा कि मैं जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ किसी महात्मा के पास बैठ कर ऐसी बातें कर रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं था कि ऐसी बात करते हैं, तो किसी से बोलते नहीं। और मेरे से कहा कई बार वो डब्बे लेकर के टीन के लोग आते हैं मेरे पास, ऐसे लाल बत्ती जला जला करके, ये टेलीविजन वालों को टीन के डब्बे बताए क्या वो टीन के डब्बे ऐसा पता नहीं क्या लेकर आते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। मैंने उनको कहा कभी डर नहीं आना दोबारा ऐसी बात। मेरे कहने के प्राग इस स्थिति में रहने वाले के प्रति आखिर श्रद्धा तो है लोगों, कुछ तो उनको मानते हैं, और जिनको वो मानते हैं यानी जो उनको मानते हैं उनके प्रति उनकी कृपा नहीं होगी ऐसे कैसे समझ सकते हो, सोच हो। तो कोई भी व्यक्ति, मेरे कहने का प्राय एक और महापुरुष थे स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज, मैंने अपने चंडिका शतक में उनका जिक्र किया है, वो भी 300 वर्ष की अवस्था में शरीर छोड़ा और बड़े रणथंभौर के जंगलों में रहते थे, उसके बाद में वो सवाई माधोपुर में आकर रहने लगे थे। कोई उनकी सेवा करने वाला होता था तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि प्राणी पदार्थ और कोई न कोई संबंध पद जिसे कह दो, इससे आप मुक्त नहीं हो सकते जब तक कि आपका शरीर है। और बंधन किस में होता है, इन्हीं तीन में। लेकिन अंतर क्या है दोनों में, एक व्यक्ति प्राणी पदार्थ और पद का प्रयोग करता हुआ मुक्त है, दूसरा व्यक्ति इसके प्रयोग नहीं करता तभी बंध जाता है। क्यों, कारण क्या, तो इसकी कहानी आप रामायण में देख सकते हैं, रामायण में इसकी कहानी आप देख सकते हैं। भगवान शंकर समाधि में बैठे हुए हैं, देवता लोग आकर प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान राम स्वयं प्रकट होकर के उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि अब विनती मम सुनव शिव होई प्रसन्न बरदेव, जाय विवाह शैल जही हम वही मांगे दे। अब विनती मम सुनो प्रभु मो पर सहज सुनेव, जाय विवाह शैल जही यह मोही मांगे दे। मेरी प्रार्थना है कि पार्वती आपके लिए तपस्या कर रही हैं, आप उनको विवाह लें, उनके साथ विवाह कर लें, पानी ग्रहण कर लें, उनको स्वीकार कर लें। भगवान ने प्रार्थना किया तो उन्होंने कहा ठीक है। अच्छा, एक तो भगवान शंकर की गति देखी है, जिसके लिए पार्वती तपस्या कर रही है और भगवान स्वयं प्रार्थना कर रहा कि आप उनको स्वीकार कर लो, भगवान कहते ठीक है। और दूसरी तरफ देखिए महात्मा नारद की कथा, जो राजकुमारी को देखते ही मुग्ध हो गए और साफ शब्दों में प्रार्थना की भगवान से कि जब तब कछन हो यही काला, हे विधि मिले कौन विधि वाला, हे प्रभु मेरे से जप नहीं होगा, तप नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, हमें तो ये बालिका चाहिए। परिणाम क्या हुआ दोनों का, ये भी आप लोग जानते हो, रामायण सुनते हो। एक तो उस देवी को विवाह लिया, विवाह करके भी वो महायोगी बना रहा, और एक का विवाह नहीं हुआ, भगवान ने बचा लिया ना, विवाह नहीं हुआ फिर भी वो अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हुए। कहने का अभिप्राय कि किसी वस्तु का होना या ना होना कोई अर्थ नहीं रखता, अर्थ रखता है आसक्ति। यदि आपकी आसक्ति है, पद में आसक्ति है, पदार्थ में आसक्ति है,
प्राणी में आ सकती है तो आप बंधन में हैं, और सब कुछ है, आपकी कोई आसक्ति नहीं किसी से। सृष्टि पर तो सब कुछ रहेगा, और आपने तो बनाया नहीं, परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि है, परमात्मा के विधान में सब कुछ है। आपको प्रयोगाधिकार मिला हुआ है, प्रयोगाधिकार आप करते रहिए, कहीं आसक्त ना होइए। अनासक्त होकर के यदि आप प्रयोगाधिकार करते हैं तो आप सुखी रहेंगे, दुनिया की कोई ताकत आपको बांध नहीं सकती। भगवान व्यास देव ने यह बात कही है कि मोक्ष के लिए किसी आश्रम विशेष की आवश्यकता नहीं है, गृहस्थ को भी वही पद मिल सकता है, वानप्रस्थी को भी वही पद मिल सकता है, सन्यासी को भी वही पद मिल सकता है, और ब्रह्मचारी को भी वही पद मिल सकता है। चारों आश्रमों में किसी भी आश्रम में रहने वाला व्यक्ति मोक्ष पद को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि आश्रम का संबंध मोक्ष से नहीं है। कुछ महापुरुषों ने कहा कि जब तक सन्यासी नहीं बनेगा तब तक मोक्ष नहीं होगा, लेकिन महाभारत इसे नहीं मानती, भगवान व्यासदेव इसे नहीं मानते, उपनिषदें इसे नहीं मानती, हमारे धर्मशास्त्र से नहीं मानते। धर्मशास्त्र का यह कथन है कि बंधन में मूल हेतु है आसक्ति, और मोक्ष का मूल मंत्र है विरति, अनासक्ति। यदि आप मोक्ष के अभिलाषी हैं तो सब कुछ का होना कुछ अर्थ नहीं रहता आपके लिए, यदि आप डिटेच्ड हैं तो। अटैचमेंट इज द कॉज ऑफ बाउंडेज एंड डिटैचमेंट इज द कॉज ऑफ फ्रीडम। इफ यू वांट टू अचीव इमेंसिपेशन यू मस्ट बी डिटेच। सीधी सी बात, आपके न मानने से, आपके अस्वीकार कर देने से पृथ्वी के पदार्थ कहीं जाएंगे नहीं, वो तो वहीं रहेंगे। आप उनको अपना मानते तब भी वहीं रहेंगे, नहीं मानते तब भी वहीं रहेंगे। जिन लोगों ने करोड़ों रुपए बेईमानी करके इकट्ठा किया है? क्या हुआ कि? ले गए कोई साथ है? आखिर बिस्तर के नीचे ही पड़ा रहा ना, कहां गया? बिस्तर के नीचे पड़ा रहा और परिवार सहित सारा नाश हो गया, कोई उसको भोगने वाला नहीं मिला, कोई उसको संभालने वाला नहीं मिला। प्रत्यक्ष देखिए, और दुनिया गालियां दे रही, निंदा कर रही है। जीते जी नरक इसलिए भोगे कि चिंता पड़ी थी कि इसका क्या होगा, अब मरने के बाद अब नरक मिल रहा है क्योंकि दुनिया गाली दे रही है। यही होता है। तो किसी वस्तु का होना न होना कोई अर्थ नहीं रखता, अर्थ केवल यह है कि आपकी उसमें अनुरक्ति है या अनासक्ति, आप उससे अटैच्ड हैं या डिटैच्ड। यदि डिटैच्ड हैं आप तो दुनिया का वैभव पड़ा रहे आपको बंधन में नहीं डाल सकता, कौन डालेगा बंधन में? बड़ा जड़ प्रकृति चेतन को कैसे बंधन में डालेगी, ये भी तो सोचो। जड़ पदार्थ कभी चेतन को बांध सकता है? असंभव। वेद कहता है न कर्म लिप्यते नरे, दुनिया में कोई ऐसा पद पदार्थ प्राणी नहीं है जो मनुष्य को बंधन में डाल सके जब तक कि मनुष्य उसमें खुद न बंधने के लिए तैयार है। इसलिए भगवान कहते हैं कि संसार रूपी शत्रु से विजय प्राप्त करने के लिए विरति चरम ढाल, चरम माने होता ढाल, ढाल क्या है? कहा वैराग्य, वैराग्य त्याग नहीं कहा, वैराग्य कहा, याद रखना। त्याग और वैराग्य में क्या अंतर है जानते हो? ये वस्तु मैंने त्याग दिया, ए लो फेंक दिया, ये तो त्याग हुआ, और ये वस्तु यहीं पड़ी हुई है लेकिन हमारे से कोई राग नहीं है, पड़ी रहे अपना क्या जाता है, इसको फेंकने का नाटक हम क्यों करें, पड़ी है पड़ी रहे तो हाँ उठे अपने चले गए, इसको संभालने की जरूरत नहीं, जिसको जरूरत होगी अपना संभालता रहेगा। किसी पदार्थ का होना कुछ अर्थ नहीं रखता, याद रखना। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं पैदा हुआ अब तक जो पंच महाभूतों से सदा के लिए दूर हो गया हो, हो ही नहीं सकता। पंच महाभूत से बना हुआ शरीर है,
शरीर को तुम लेकर कहां जाओगे, और जहां जाओगे शरीर तो साथ जाएगा। इसलिए भगवान ने गीता में बताया कि अव्यक्ता है गतिर दुखम देह अद्विरोपते। गीता में भी भगवान ने बताया कि शरीरधारी के लिए कर्म का त्याग करना असंभव है, जो शरीर स्वयं कर्म स्वरूप है, त्यागो के कारण केवल तुम इससे डिटेच्ड हो सकते हो, अनासक्त हो सकते हो। विरति, विरति माने रति नहीं है उसमें, आसक्ति नहीं उसमें, अनासक्त हो सकते हो। और अनासक्त से बढ़कर कोई ढाल नहीं हो सकती जो तुम्हारी रक्षा कर सके। सबसे बड़ी रक्षा मई शक्ति क्या है? अनासक्ति। भाई कोई वस्तु नहीं है तो उसके लिए दुखी क्यों हो, और कोई वस्तु आ गई तो उसके लिए इतने फूलते क्यों हो? क्यों, जो आ गई है आज तुम्हारे पास, कल तो नहीं थी ना, तो क्या गारंटी है कल रह जाएगी? जो आई है तो जाएगी। जो आई है उसको जाना है, जो मिला है वो एक दिन जाएगा। तुम्हारे पास हमेशा रहने वाला नहीं है, पहले भी नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा, तो अब है तो इसके लिए क्यों तुम इतने इतरा रहे हो? तुम्हारा ये अहंकार, तुम्हारा ये मद, तुम्हारा ये मैंपना क्या अर्थ रखता है? इसलिए भगवान कहते हैं कि वैराग्य से बढ़कर कोई ढाल नहीं। वैराग्य किसी का होना कुछ अर्थ नहीं रखता। यदि तुम्हारी आस्था अपने आप में है, उदयपुर के पास एक गांव है लक्ष्मणपुरा, वहां एक मेरी शिष्या रहती है जो उस इलाके की मानी हुई संत है, मानी हुई संत है, हजारों लोग उसके पीछे चलते हैं। और आपको उसकी जीवनी बताऊं तो आपको आश्चर्य होगा। उसका पति राजपूत था, राणा खानदान का। 22 साल की आयु में उसने अपने पति से कहा कि देखिए अब आज से हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं है स्त्री पुरुष के नाते, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की देख रखी है, उसे तुम शादी करो। वो 22 साल की थी, उसका पति 24 साल का था उम्र। उसके पति ने कहा कि यदि तुम बिना पुरुष की रह सकती हो तो मैं बिना स्त्री के कैसे नहीं रह सकता। जिस राजपूत वंश में तुम पैदा हुए, इसी राजपूत वंश में मैं पैदा हुआ हूं। तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूं, लेकिन मेरी साधना में तुम्हारी कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए। उसने कहा तुम्हारी साधना में मेरा कोई व्यवधान नहीं होगा, लेकिन मेरे कार्यक्रम में तुम्हारी कोई दखलंदाजी न हो और मेरी व्यवस्था ठीक चलती रहे। उसने कहा ठीक है, शादी नहीं की, पति ने भी नहीं की, साधना में लगी हो। अपने हाथ से, क्योंकि राजपूत लोग मांसाहारी होते हैं, शराब भी पीते हैं, अपने हाथ से वो देवी मांस पकाती, ये सभी जानती हैं, दीदियां जितनी हैं सभी जानती हैं। अपने हाथ से मांस पकाती वो, पति को परोसती, वो खाता, सायंकाल को सोते समय शराब की बोतल खोलती उसको देती, वो पीता, वो सो जाता। जब वो सो जाता तो माला लेकर बैठती, 125,000 रोज जप करती थी, अब भी करती, नित्य प्रति का उसका नियम है, 125,000 जप करके तब वो जल पीती है मुंह में, अब भी उसका यही धारणा। कुछ वर्ष तक ऐसे चलता रहा। उसने कहा कि यदि मेरी साधना में तूने कभी विघ्न डाला तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। उसने, मैं कोई विघ्न नहीं डालता, ठीक है, उसके साथ रही हूं। थोड़े दिन बाद वो सोचने लगा कि आखिर ये भी देवी है, मैं शराब पीकर सो जाता हूं, ये बैठती है भजन करती है, क्या बनेगा मेरा आखिर, धिक्कारा अपने आप। एक दिन उससे प्रार्थना करने लगा कि तुम मुझे भी उपदेश दे दो, हम भी अच्छे मार्ग पर लग जाएं। उसने कहा ये काम मेरा नहीं, ये तो गुरु जी का काम है, तुम्हें यदि अच्छे मार्ग पर लगना है तो गुरु जी से, उनके पास जाओ, उन्हीं से प्रार्थना करो, वो तुम्हें भी लगा देंगे। खैर उसका भी मांस छूट गया, मदिरा छूट गई, सब कुछ छूट गया। अब वो भी धीरे धीरे सात्विक बन गया,
थोड़े दिन बाद उसे कैंसर हो गया और उसको लेकर के उदयपुर के अस्पताल में गए। उदयपुर अस्पताल में गए, डॉक्टर ने देखा तो कहा कि वो इसको तो कैंसर हो गया, फर्क पड़ेगा। और ये जो है ये तो 15 दिन